आज वो साजिश पहुंच चुका है नरेन की बुआ के घर और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मौसम का पूरा पूरा फायदा उठाया जा रहा है ना। यस यस, आज मैंने सोचा आप स्नैक के टाइम आ रहे हो तो, और मौसम भी सुबह से तो बारिश तो मस्त हो रही है, तो मैंने सोचा कि क्या करें, फिर चाय बिस्किट के साथ साथ कुछ होना चाहिए, तो मैंने सोचा कॉर्न पैटिस बना ले, क्योंकि वो पकौड़े में बहुत तेल भी जाता है, तो उससे बेटर है थोड़े शैलो फ्राई कॉर्न पैटिस भी बनाए। बॉयल पटेटो, कॉर्न, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चाट मसाला, हरी मिर्च, कोरिएंडर, धना जीरा पाउडर और लाल मिर्च, दैट्स इट। और एक साथ मिलाया है सबको और उसके छोटे छोटे ऐसे पैटी बना के ब्रेड क्रम्स में अच्छे खासे घोल के मस्त। किचन में ही बहुत सारा टाइम जाता है कुकिंग, बिकॉज मेरे घर में सिर्फ रोटियां बनाने के लिए मेड है, अदरवाइज मैं पूरा खाना मैं खुद बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में किसी को भी दूसरे के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, तो मैं बिल्कुल पूरा खाना मैं बनाती हूँ, पूरा टिफिन लेके जाती हूँ। तो शी इज़ इन 7th स्टैंडर्ड, शी इज़ माई डॉटर। और एक बेटा है जो आपको जल्द मिलने वाला है, लेकिन वो अभी वॉक के लिए गया है, वो भी बहुत फिटनेस फ्रीक है, तो वो आपको जल्द मिलेगा। फिर हस्बैंड होते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अ डायरेक्टर नाउ। मैंने जैसे कहा मेरा एक बेटा भी है और वो बेटे का नाम है ब्रूनो। आप देख सकते हो वो अभी वॉक के लिए गया था, एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग ही गोज फॉर वॉक, ही इज़ अ फिटनेस फ्रीक। लेकिन अभी बारिश है तो आपने देखा रेनकोट वगैरह पहन के वो जाता है। पहले तो लास्ट ईयर हमने टी शर्ट पहनाया था शुभवी का। अरे बापड़े बापड़े, इकड़े लुकड़े। सुबह की चाय, शाम की चाय, शाम के स्नैक्स, हम सब यहीं पे दोनों बैठ के अच्छी खासी बातें करके बिताते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो कि आई एम ब्लेस्ड विद ग्रीनरी आउटसाइड माय विंडो। तो ये हमारी चिल्लर पार्टी है सोसाइटी की, ये अविश है, ये अक्षत है और ये स्मिथ है। ये ब्रूनो के फ्रेंड्स हैं, शुभवी के फ्रेंड्स कम और ब्रूनो के ज़्यादा हो गए हैं। तो अब मैं आपको मेरा छोटा सा आशियाना, छोटा सा घर दिखाती हूँ। ये जो फिशेस हैं वो बहुत सालों से हमारे साथ हैं, आप कह सकते हैं मेरे पहले पेट जो है वो फिश ही है। ये डेकल्स आते हैं आजकल, तो ये वार्ली डेकल्स मैंने लगाए हैं। फिर ये छोटे छोटे कुछ मेरी अवार्ड्स हैं, नॉमिनेशन अवार्ड्स हैं। ओपन किचन है तो दोनों साइड से मुझे टाइम पता चलता है, क्योंकि कभी कभी बहुत हरी में होती हूँ तो यहाँ आके फिर से टाइम देके फिर से कुकिंग करना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो ये थोड़ी आसानी देता है मुझे। अगर मेरे हस्बैंड का बस चलता तो पूरे घर में चैपलिन होते, लेकिन मैंने बोला नहीं, सिर्फ एक वॉल आपके लिए। फिर यहाँ आप देख सकते हैं ये भी एक डेकल ही लगाया है, थोड़ा ये प्लेन वॉल जा रहा था तो कुछ रौनक बढ़ाने के लिए यहाँ पे भी डेकल है।
ये हमारा सारा फर्नीचर है वो थोड़ा अलग बनाया है हमने, ये देवदार जो लकड़ी होती है उससे बनाया है। ये एक गिफ्ट मिला था शुभवी के बर्थडे पे, कोई भी अगर इंडिया से बाहर जा रहा है या मैं अगर गई तो मैं वहाँ से मैग्नेट लेके आती हूँ मेरे फ्रिज में लगाने के लिए। आप देख सकते हो बहुत सारे मैग्नेट हैं यहाँ पे। अब छोटे से घर का एक छोटा सा क्या कह सकते हो आप पैसेज, तो जिसमें एक कबर्ड बनाया है हमने। हस्बैंड एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, उसका नाम है एक संगाई से अनसिड हार्मनी, जिसमें के मेनन काम कर रहे हैं। पहली उनकी मराठी फिल्म है, तो उसका शूटिंग तो कंप्लीट हो गया है, तो के सर की तरफ से और प्रोडक्शन की तरफ से ये क्लैप उनके लिए गिफ्ट के तौर से मिला है। देख सकते हो यहाँ पे भी फ्रेंच विंडो हमने बनाई है, क्योंकि यहाँ पे भी बैठ के कभी कभार एक चाय कॉफ़ी हो जाती है मेरी और हस्बैंड की। हाँ, जब प्यार हुआ था तब ऐसे एक छाते में जाके एक बुट्टा हाथ में लेके प्यार बहुत किया है, बहुत घूमे हैं। हाँ, ये अभी ये हैंगर वाला पोर्शन है, इसके लिए हस्बैंड ने ये पोर्शन चुरा लिया है मुझसे, तो ये सारे उनके ब्लेजर्स, उनके जो भी शर्ट्स उनको हैंगर पे लगाने हैं वो सब यहाँ पे होते हैं। ये देखिए, ये बहुत सारी परफ्यूम्स है मेरे पास, लेकिन एक चीज़ बताऊँ, आज तक एक भी परफ्यूम मैंने ख़रीदा नहीं है। ये सारा जो कलेक्शन है वो गिफ्ट के तौर पर मुझे आया है। सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लगता है पता है? ये वाला, ये जो बॉटल है वही बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक जूता है, आप देख सकते हो, लेकिन ये कहीं से खोलना नहीं है, ये आपको यहाँ से स्प्रे करना है। इसका नाम भी उसने लिखा है शुभवी। तो ये भी एक डेकल लगाया है जो लड़की, और उसको साइकिलिंग का बहुत शौक है। उसकी पिक्चर ली थी तो वो हमने फ्रेम करके यहाँ पे लगाई है। ये मेरे साथ एक फ़ोटो, ये पापा के साथ एक फ़ोटो, ऐसी एक आप कह सकते हो मुझे डेकल्स का बहुत शौक है, तो मैंने यहाँ पे भी डेकल्स लगाई हैं। ये भगवान जी है यहाँ पे, जिनकी पूजा सुबह शाम जैसा टाइम मिले वैसे मैं करती हूँ। तो आई होप आप सबने ये एंजॉय किया है। थैंक यू सो मच। ये है ABP News, आपको रखे आगे।